नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ आलू भुजिया। आलू भुजिया बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। उबला आलू 400 या 500 ग्राम, बेसन 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी 1/2 चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, चाट मसाला 1 चम्मच, मोयन व तलने हेतु तेल आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले आलुओं को उबाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। आलुओं का छिलका उतार लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। आलुओं को कद्दूकस कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। 1 कप बेसन डालेंगे। 1 कटोरे पर छलनी रखेंगे जिसमें कि हम मसालों को छानेंगे। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, कसूरी मेथी, भुना जीरा, आमचूर, काली मिर्च डालेंगे और छान लेंगे जिससे कि बारीक मसाला छन जाए। ये मोटा मसाला हम 1 कटोरी में अलग से निकाल लेंगे, जो कि हम इसको फेंकेंगे नहीं, सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। सामग्री में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और छना हुआ मसाला डालकर आटे की तरह गूंथ लेंगे। 5 मिनट के लिए सामग्री को रख देंगे। आलू भुजिया बनाने के लिए जाली लगाकर तेल लगाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। भुजिया बनाने वाली मशीन बाजार में बर्तनों की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। थोड़ा मिश्रण लेकर सांचे में डालेंगे और बंद कर देंगे। गैस जलाएंगे, कढ़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब मशीन से भुजिया को तेल में तोड़ लेंगे। आंच को तेजी रखेंगे, 1 से 2 मिनट तक भुजिया को तलेंगे। करछल की मदद से भुजिया को पलट देंगे और 1 मिनट तक तलेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। यदि बार बार करछल लगाएंगे भुजिया टूट जाएगी। प्लेट में टिश्यू पेपर डालेंगे और करछल की मदद से भुजिया को निकाल लेंगे। ऐसे ही सभी भुजिया को तल लेंगे, परांठ लेंगे और भुजिया को हल्के हाथों से तोड़ देंगे। चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार डालेंगे और मिलाएंगे। यदि आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें भुना जीरा भी डाल सकते हैं। आलू भुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। हवा बंद डब्बे में भुजिया को निकालेंगे और गर्मा गर्म चाय, कॉफ़ी आदि के साथ परोसेंगे। आप इसको बनाकर 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हैं और जब आपका मन चाहे तब आप इसका सेवन चाय, कॉफ़ी के साथ कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।